राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होनी है। ये बैठक एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई है। इस बैठक में राजस्थान के प्रमुख नेताओं को तलब किया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हैं। आज पार्टी आलाकमान ने बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा होगी कि क्या कमियां रही जिनके चलते वो सत्ता में नहीं लौट पाए। इस चर्चा के आधार पर पार्टी नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसके तहत हम मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे। देखिए, राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो हम आदर से स्वीकार करते हैं। हमने अच्छी मेहनत की, योजनाएं हमारी अच्छी थी, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन परिणाम जो सकारात्मक नहीं रहा तो हम सब मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तमाम जितने कैंडिडेट थे, हमारे संगठन के लोग थे, उनसे सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद में आज पटियाला कमान ने मीटिंग बुलाई है, तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम में क्या कमियां रही जिसकी वजह से हम सरकार में पुनः नहीं लौट पाए, और उसके बाद में उन चर्चाओं के आधार के ऊपर पार्टी नेतृत्व जो आगे दिशा निर्देश देगा उसमें मजबूती के साथ में हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे।